प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एज बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में आंकी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। हमारे तीन क्वेश्चन हैं, हम उनको सोल्व करेंगे। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण से संबंधित हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गणना करनी है। भाई देखो, हमें दिया है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें विभवांतर का मान दिया है V बराबर 100 वोल्ट। हमें विभवांतर का मान दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। देखो, अपन जानते हैं, अपने पढ़ा था, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य उसका सूत्र होता है लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम। ये वही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, हमें वी का मान दिया है 100 वोल्ट, वी का मान रख देंगे लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन रूट वी का मान है 100 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो एंगस्ट्रम हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करें तो किया जाएगा 1.227 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। देखो, आगे अल्फा कण के लिए ज्ञात करवा रहा है। अपन जानते हैं कि जो अल्फा कण के लिए डी ब्रोगली जो सूत्र होता है तरंग दैर्ध्य का, भाई वो होता है लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम होता है भाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, वी का मान रख दे किसी में वही 100, तो लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 अपॉन रूट वी, रूट वी का मतलब 100, यानी हो जाएगा 0.01 एंगस्ट्रम। ये वही इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, लगाएंगे सूत्र और इसके आ जाएंगे उत्तर। बस कुछ नहीं, आपको बी का मान रखना है और इनको सोल्व करना है, ठीक है भाई। अब आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है, इसमें आपको बल्ब से, इसमें 20 वाट का एक बल्ब से आपको शक्ति का मान दे रखा है, आवर्ती का मान दे रखा है, और ये कह रहा है कि बल्ब से एक सेकेंड में कितने फोटोन मतलब बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो, प्रति सेकंड में दिया क्या है, हमें शक्ति का मान दिया है शक्ति P बराबर 20 वाट, और हमें आवर्ती का मान दिया है 5×10^14 हर्ट्ज, ये हमें दिया है। संख्या ज्ञात करनी है। देखो, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की जो संख्या होती है, तो वो ज्ञात करते हैं n बराबर होता है शक्ति p×t / कुल ऊर्जा। तो ऊर्जा इनकी हो जाएगी h𝛎, ठीक है भाई। n बराबर, अब p का मान दिया है 20 × t का मान 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड की बात कर रहा है वो। h का मान अपन जानते हैं, ये प्लांक नेता का मान होता ही है, और न्यू का मान 5×10^10 हर्ट्ज, ठीक है भाई। सोल्व करेंगे इसका मान आ जाएगा 6×10^9, इतने फोटोन से बाहर निकल जाएंगे। ये अपन दूसरा क्वेश्चन था। अपन तीसरा क्वेश्चन है, समान ऊर्जा वाले फोटोन एवं अल्फा कणों से संबंधित डी जो तरंग दैर्ध्य है उनका अनुपात ज्ञात करना भाई। जो आगे हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे उनका। तीसरा क्वेश्चन हम देखो, तो तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा कण के लिए आपको अनुपात ज्ञात करना है। देखो, हम जानते हैं प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली जो सूत्र होता है तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लैम्डा पी बराबर, यहाँ वही
एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी इस तरह होता है। मान नंबर की एक डालो समीकरण इसको। इसी प्रकार हम अल्फा कण की बात करें, इसी प्रकार अल्फा कण के लिए जो हमारा तरंग धैर्य है वो हो जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर एच अपॉन अंडर रूट, तो यहाँ तो एम पी यानी द्रव्यमान प्रोटॉन का यहाँ तो ठीक है भाई, और यहाँ आ जाएगा टू एम अल्फा और क्यू इंटू वी। नंबर दो समीकरण क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग धैर्य का अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना तो क्या करेंगे समीकरण एक में दो का भाग लगा देंगे, तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर एक में दो का भाग लगा देंगे भाई, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर देखो आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट में टू एम पी और क्यू वी, ये एच अपॉन अंडर रूट में टू एम अल्फा और क्यू वी भाई, देखो एच एच कट जाएगा क्यू वी कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा दो भी कट जाएगा, तो इसको आगे अगर हम सोल्व करें तो ये इनका जो अनुपात है ये इनका अनुपात हो जाएगा देखो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर देखो यह ऊपर आ जाएगा एम अल्फा और नीचे आ जाएगा बटे में एम पी। अपन देखो जानते हैं कि ये जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का वो कितना होता है, क्योंकि एम अल्फा यानी द्रव्यमान अल्फा कितना होता है प्रोटॉन द्रव्यमान का चार गुना होता है भाई, कि अल्फा अल्फा जो कण हीलियम के नाभिक होते हैं अपन जानते हैं द्रव्यमान कितना होता है इनका प्रोटॉन द्रव्यमान का चार गुना होता है भाई, तो यह आ जाएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर चार एम पी बटे में एम पी का अंडर रूट, एम पी कट जाएगा दो अनुपात दो बटा एक, तो लैम्डा पी अनुपात लैम्डा जो अल्फा है ये आ जाएगा दो अनुपात एक आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर आ जाएगा दो अनुपात एक। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, थैंक यू।